तो कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ टेक्नो गेमर। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि पिछले पार्ट में हमने ये वाला घर देखा था और मैंने आपको बोला था कि अब हम ये वाला घर देखेंगे। तो जैसा आप देख सकते हो, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो जहाँ पे मैं खड़ा था ना, मैं एग्जैक्ट वहीं पर खड़ा हूँ, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं किया। मैंने जस्ट वो वीडियो जैसी पिछली वीडियो जब आपने देखी थी, जैसे ही वो वीडियो ख़त्म की ना, तभी मैं ये वाली वीडियो फिर से शूट कर रहा हूँ, तो ताकि आप जल्दी से देख सको। और ये देखो, तो सबसे पहले मैं आपको आउटसाइड से दिखा देता हूँ। ये घर काफ़ी अच्छा घर है। ये देखो, यहाँ पे स्केलेटन वाले 4 हॉर्स है, साइड में जो पम्पकिन लगे हुए 2 पम्पकिन लैंटेन वाले। और ये देखो, ये यहाँ पे लावा ही लावा है। ये देखो, यहाँ से भी लावा गिर रहा है दोनों तरफ से। और ये साइडों में ये रेड कलर की जो लाइट्स है, ये है बीकन। तो मैं दिखा देता हूँ बीकन को। ये देखो, बहुत इजी था। ओ भाई, आवाज़ सुनो भाई, थोड़ा दूर हो रहा। देखो, बहुत इजी था बीकन को बनाना, लिटरली बहुत इजी था। मैं आपको एक ये तोड़ के दिखाता हूँ। ओके, ये देखो, ये ऐसे ही ना, मैंने ये गोल्ड के ब्लॉक ना यहाँ सारी जगह लगाए हैं। जैसा आपको पता है, बीकन को एक्टिवेट करने के लिए हमें करना पड़ता है, और उसके ऊपर मैंने ये रेड कलर के कुछ ये लगा दिए ग्लास। और दूसरी तरफ भी मैंने सेम यही प्रोसेस किया है, और दोनों तरफ ना बीकन्स इक्वल है, मतलब बराबर के बीकन है। और ये देखो, घर के सबसे टॉप में भी आग लगी हुई है, और स्पाइडर के इतने सारे वेब्स हैं ना, मतलब आप पूछो मत, वेब्स तो मैंने बहुत लगाए। और यहाँ पे ये आग जल रही है, तो ये लावा से बच के रहना होगा हमें। और मैंने इस घर को अभी तक अच्छे से चेकआउट मैंने भी नहीं किया। तो ये देखो, साइडों में भी लावा, यहाँ पे भी ये। ओ भाई, सही है। ये देखो, लैंटेन है ये नए वाले, ये नया वाला लैंटेन है, वैसे अब तो थोड़ा पुराना हो गया। चलो गेट खोलते हैं। ओके, तो ये है इंटरनल, ये पैरेलल फ्लोर है। ये देखो, ये ऐसा है यहाँ से। ये देखो, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं डिज़ाइन वगैरह करता रहता हूँ। और ये यहाँ पे मैंने कुछ और किया है, ये देखो। और ये यहाँ पे आप सोच रहे इतनी लाइट कैसे, क्योंकि लाइट कम है। तो ये देखो, ये यहाँ पे ये तोड़ने से ना ये आ जाएगा। और ये भी मेरे को बाद में पता लगा था कि अगर हमने ये नीचे रखा और उसके ऊपर कोई सा भी हमने मैट लगाया ना, जो कारपेट होते हैं, वो कोई सा भी लगाया ना, तब भी उसकी लाइट उतनी रहेगी। तो ये वाला जो कमरा है ना, वो पूरा खाली है। अरे नहीं, क्रीपर, अबे क्रीपर थोड़ी ना स्वागत करता है यार घर मेरा, एक क्रीपर क्या कर रहा है, वॉट। अबे यार, ये क्या बात होती है। ओके, आई थिंक मेरे को इसी बात का डर था दोस्तों, क्योंकि ना मैंने इस घर को अभी तक अच्छे से देखा नहीं है। और ये घर देख सकते हो, जैसा मैंने बहुत मतलब डार्क कलर्स से बनाया है। तो ठीक है, अभी तो मैं क्रिएटिव में हूँ, तो ये क्रीपर फूटेगा नहीं। मैं नहीं चाहता कोई भी रिस्क लेना, तो आई एम गोइंग टू किल दिस क्रीपर। तो मेरे को यही डर है दोस्तों कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। ये देखो, एक और क्रीपर। भाई, क्या क्रीपर की पार्टी चल रही है क्या। तो यही था मेरे को कि इस घर में, तो देखो, जैसे मैं क्रिएटिव में हूँ, तो मैं ना क्रिएटिव की कोई भी चीज़ अपने साथ नहीं रखता, वापस डाल देता हूँ। ये देखो, और ना बीकन की आवाज़ है ना, मेरे को अभी भी आ रही है। तो चलो, हम ऊपर वाले फ्लोर में चलते हैं। ये देखो, ऊपर वाला फ्लोर है। वैसे यार, इस फ्लोर में लाइट है, तो मैंने बहुत डाल रखी है, लेकिन अगर आपको याद हो कि क्रीपर नीचे आया था सीढ़ियों से उतर के, तो होना हो मैं पक्का करूँगा इसका कुछ। ओके, ये यहाँ पे मैंने 2 चेस रखे छोटे, 2 क्राफ्टिंग टेबल है, और यहाँ पे 3 बेड है, और ऊपर थोड़ी लाइट है। ये है दूसरा, ये है आई थिंक ये पहला फ्लोर है, और ये है सेकंड फ्लोर इसका। ये देखो, यहाँ पे भी सेम है, बस यहाँ पे थोड़े 2 बेड है,
और यहाँ पे थोड़े से डिज़ाइन चेंज है, ये थोड़े ऊपर को रख दिए मैंने। और यहाँ पे दो क्राफ्टिंग टेबल है, और ये चीज़ का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वैसे मैं अभी क्रिएटिव में हूँ, मैं आपको देख के बता सकता हूँ ये चीज़। ये री ये है कॉन्डट, ये देखो अगर इसे कहीं पे भी रखेंगे ना, जैसे यहाँ पे ये देखो थोड़ी बहुत लाइट आ गई है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे रखा है, क्योंकि ये अच्छा लग रहा था, प्लस ये लाइट दे रहा था मेरे को, तो और क्या चाहिए। ये देखो, और मैंने पर्पल कलर के ग्लास यूज़ किए हैं, कितना बढ़िया लगेगा। और यहाँ पे थोड़ी सी ये फायर मैंने डाली हुई है ताकि थोड़ी रोशनी हो सके। ओके, और यहाँ पे और ऊपर जाने का है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, अगर आप लोग नेदर में गए हो तो आपको पता होगा, अगर आप माइनक्राफ्ट के बारे में अच्छे से जानते हो और वीडियोस वगैरह माइनक्राफ्ट की देखते हो, तो आपको ये पता होगा कि नेदर जो है वो अपसाइड डाउन है। मतलब जैसे रियल वर्ल्ड में अगर हम नीचे की तरफ खोदते रहेंगे ना, तो एक टाइम आएगा जब बेड रॉक आ जाएगा, और क्रिएटिव में होगे तो हम बेड रॉक भी तोड़ देंगे और हम वॉइड में चले जाएंगे। ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप ये यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हो, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। और अगर आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा वॉइड में, वॉइड तक खोदने की। लेकिन बेड रॉक को ना हम सिर्फ क्रिएटिव में ही तोड़ सकते हैं, हम सर्वाइवल में बेड रॉक को कुछ भी नहीं कर सकते। लिटरली आप कोई सी भी पिकैक्स ले लो, बेड रॉक बिल्कुल नहीं तोड़ सकता। तो अगर हम ये वाले वर्ल्ड में ऐसे करें, लेकिन अगर हम नेदर में हो गए और नेदर में अगर हम ऊपर की तरफ को जाते रहे, तो एक टाइम आएगा जब हमें नेदर में ऊपर मिलेगा बेड रॉक। तो ऐसे ही मैंने इस घर के साथ भी किया है। जैसे आपको पता होगा ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो बेसमेंट होता है ना वो अपने घर के नीचे बनाते हैं, लेकिन ये घर को मैंने अपसाइड डाउन किया है नेदर की तरह, तो इसमें जो बेसमेंट है ना वो ऊपर की तरफ है। ये देखो ये बेसमेंट है, और वैसे बेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है। ये देखो यहाँ पे एक कटर है, स्टोन कटर जैसे कहते हैं हम, और यहाँ पे मैप्स वगैरह का होता है। यहाँ पे मैंने कुछ लगाए ये, और मैं पहले ही बता रही हूँ ये सब मैंने क्रिएटिव में किया। ओके, और ये देखो यहाँ पे एक और कटर है, स्टोन कटर, और यहाँ पे भाई साहब ये देखो। ओके हाँ, तो वैसे हम यहीं से देख सकते हैं इसे, मैंने थोड़ा उस टाइम ध्यान नहीं दिया कि हम मैं नीचे नहीं जा, इसमें जा सकता हूँ, मैं इसमें नहीं जा सकता। मैं काम करूँगा इसे एक लेवल ऊपर बढ़ा दूँगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दोनों जगह है ना सेम है, ये देखो ऊपर से देखो भाई, पूरा इक्वल है ये देखो। तो यहाँ पे ना ये है, जैसे यहाँ पे हमने ये पिकैक्स लगा दी। ओके, मैं क्रिएटिव में हूँ। ओके, और यहाँ पे जैसे पिकैक्स लगा दी, इसके अंदर पिकैक्स डाल दिया, इसके ऊपर कुछ खाने का सामान लगा दिया, इस पर खाने का सामान डाल दिया, ऐसे ही कर सकते हो। और ये देखो यहाँ ऊपर जाने की जगह। ओके, मैं ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा। ओके, ये चेस आ रहा था, अरे यार। ओके, और यहीं पे ये सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, ये देखो। और ऐसे ही चाहे तो हम यहाँ पे भी जा सकते हैं सीधा, ये देखो ये एक और है, ताकि ये एक और स्लॉट आ गया। और ऐसे ही ये यहाँ पे भी है, हम सीधा नीचे से भी जा सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे चले जाते हैं। ये देखो ये एक और स्लॉट आ गया, और ये वाला मैंने पूरा ऐसे घुमाया है। ये देखो ये वाला जो स्लॉट था वो आखिरी स्लॉट था, इसलिए मैंने पूरा ऐसे कर्व में किया ऐसे। और सेम चीज़ यहीं पे भी है, अरे ये क्या खुल गया। ये देखो सेम यहाँ पे दो है, यहाँ ऊपर चलो, और उसके बाद यहाँ पे थोड़े और है, यहाँ ऊपर चलो, फिर एक ये रहा, यहाँ पे और ऊपर चलो। मैं जा क्यों नहीं, अच्छा मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। ओके, यहाँ ऊपर चेस्ट थे इसलिए मैं नहीं जा पा रहा था। तो मतलब इन शॉर्ट काफ़ी अच्छा है, मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट घर है। ये अलग बात है कि मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं क्रिएटिव की चीज़ें ना यूज़ नहीं करता अपनी सीरीज़ में, माइनक्राफ्ट की सीरीज़ में। जो भी मैंने क्रिएटिव में बनाया होता है ना, वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है।
सिर्फ दिखाने के लिए। तो यही था ये घर। वीडियो काफ़ी छोटी है मेरे को पता है, पर अब आपको थर्ड पार्ट के लिए आप तैयार हो जाओ, बिकॉज़ थर्ड पार्ट पे आपको और मज़ा आएगा। क्योंकि थर्ड पार्ट में ना मैं आपको अपनी आखिरी जगह दिखाऊंगा जो मैंने बनाई है, और वो भी काफ़ी अच्छी है। और पहले तो मैं इस घर का कुछ करूँगा भाई, ये क्रीपर व्रीपर आ रहे, कहीं ऐसा ना हो एक दिन मैं इस घर में जाऊँ और मेरे सामने क्रीपर आ जाए और फूट जाए तो घर भी वेस्ट हो जाएगा। तो मैं एक बार आपको आखिरी चीज़ दिखा देता हूँ जो मैं दिखाऊँगा आपको। देखो ये वो जगह है, जैसा आप देख सकते हो स्टोन्स वगैरह से बनाया है। तो ये जगह क्या है वो उससे देखने के लिए तो आपको थर्ड पार्ट देखना पड़ेगा मेरी इस सीरीज़ का। और ये सीरीज़ मतलब मेरी ये माइनक्राफ्ट की तो एक अलग सीरीज़ चल रही है, ये आई थिंक इस सीरीज़ को मैं नाम देता हूँ न्यू स्ट्रक्चर सीरीज़। इसमें नए नए स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा मैं। वैसे मैं इसे न्यू हाउस सीरीज़ भी कह सकता था, लेकिन ये एक घर नहीं है, ये एक तरीके का स्ट्रक्चर है, काफ़ी अच्छा है, वो आपको पता चलेगा। लेकिन मैं पहले आपको छोटा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ये जगह थोड़ी सी मतलब ख़तरनाक है, थोड़ी भूतिया है, यस भूतिया है थोड़ा। यहाँ पे जाने से लोग डरते भी है, स्पेशली रात में जब हम हैं। और ये यहाँ पे रखवाली करते हैं, इन्हें मैंने काम पे रखा है। चल बे सलाम ठोक, अच्छा मत ठोक, इसके पास नेदरराइट स्वॉर्ड है, नेदरराइट स्वॉर्ड है इसलिए नहीं कह रहा मैंने, लेकिन ये अलग बात है कि मेरे पास एन्चांटेड वाली है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चेस भी रखे हुए हैं। ओके तो ये देखो मैंने ये वाले ब्रॉक्स यूज़ किए हैं यहाँ पे। और हाँ सिक्योरिटी आप देखो यहाँ की, मतलब इन ब्लॉक्स को ऊंचा तो मैंने बनाया ही है, प्लस मैंने ये भी लगाया है आयरन बार ताकि कुछ भी ना हो सके। तो अगर आपको ये जगह देखनी है तो आपको देखना पड़ेगा इसका पार्ट 3। तो थर्ड पार्ट में मैं आपको मिलूँगा, तो फ़िलहाल मैं ये टाइम पास कर रहा हूँ। ओके तो फिर ये क्रीपर ही था ना, हलो तुम लोग आ मत जाना मेरे यहाँ। ओके तो मेरे को यहाँ का कुछ करना पड़ेगा इसका, ताकि क्रीपर वीपर से मुलाकात फिर से ना हो। तो तब तक के लिए मैं कहता हूँ आपसे बाय बाय। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हो, वो वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी मेरे पहले वाले इसके फर्स्ट पार्ट की, जिसमें मैंने ये वाला घर को आपको दिखाया था, ये वाला जो घर है। अगर आपको ये घर अच्छे से देखना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, और इस वाली वीडियो में मैंने आपको ये वाला पार्ट दिखाया। और अगर आपको ये भी देखना है कि ये चीज़ क्या है, तो आपको कुछ नहीं, बस आपको सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जब भी मैं इस वाले की वीडियो डालूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो डाल दिया और आप देखने आ सकते हो। बाकी इतने समझदार तो आप हो ही कि आप बेल आइकन भी दबा दोगे ताकि आपको सबसे पहले पता चल जाए कि मैं वीडियो डाल चुका हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय।